Good morning, dear students. We are going to start our chapter. This is your chapter 8 for class 1. Okay, your chapter name is Sam and Mama Heroine. Okay, this is your chapter. Chapter, what is the chapter said? Chapter said about the a boy, a little boy. His name is Sam, and the other one is what? Mama Heroine. This is a swan. Look this picture. Okay, this is your chapter. Let's describe the chapter first. Mama Heroine is looking for food. She is looking for fish in river. तो इसमें क्या बताया? इस चैप्टर में मामा हीरोइन जो है वो क्या कर रही, क्या किस चीज़ को फाइंड आउट कर रही है? वो फूड को फाइंड आउट कर रही है का ना, तो वो एक रिवर में फिश को, मतलब ये क्या है, शी लुकिंग फिश, फिश को, वो फॉर फिश इन द रिवर, और वो क्या देख रही है नदी में, फिश को ढूंढ रही है कि उसके फूड के लिए, उसके खाने के लिए कुछ फिश हो जाए. सडनली मामा हीरोइन बम्प्स इनटू अ बेयर बेड वायर फेंस. सी हर्टेड हर लेफ्ट विंग्स एंड लेफ्ट लेग. और सडनली क्या, अचानक से क्या होता है कि उसका लेफ्ट लेग, वो जो मामा हीरोइन रहती है, मामा हीरोइन जो कि एक स्वान है, तो वो फर्स्टली क्या करती है, वो फूड को फाइंड आउट करना चाहती है, बट फूड उसको रिवर में नहीं मिलता. देन आफ्टर वो क्या करती है, अचानक ही उसका लेफ्ट लेग और विंग्स जो रहता है, लेफ्ट विंग, वो क्या होता है, हॉटेड हो जाता है, मतलब पूरी तरह से वो हॉट्स हो जाती है और उसको चोट आ जाती है. ओह नो, आई एम हॉट, आई कैन नॉट फ्लाई. और वो क्या बोलती है कि मैं हॉट हो गई. स्वान, वो जो स्वान मामा हिरन रहती है, वो क्या बोलती है कि मैं हॉट हो गई और आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती. मामा हिरन सीज अ बिग रेड कार. कैन यू प्लीज हेल्प मी, आई एम हॉट. और उधर से क्या होता है, एक रेड कार आता रहता है. दिस वन, दिस इज अ कार, रेड कार. ओके, तो वो क्या होता है, एक रेड कार आता रहता है, तो वो बोलती है कैन यू प्लीज हेल्प मी, आई एम हॉट. और वो बोलती है क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, मैं क्या हूँ, मैं चोटिल हूँ, मुझे चोट लगी है, आप मेरी मदद कर सकते हो. सॉरी वी आर इन हरी. और वो क्या कहता है कि नहीं, सॉरी मैं जो हूँ जल्दी में हूँ, दैट्स व्हाई आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता. मामा हीरोइन सीज अ स्मॉल बॉय ऑन अ एलो साइकिल. उसके बाद क्या होता है, मामा हीरोइन एक एलो साइकिल पे क्या देखती है, एक बॉय को देखती है. प्लीज हेल्प मी, आई एम हॉट. वो एक बच्चे को बुलाती है जो कि एलो साइकिल पे जा रहा होता है. देखिए आप, दिस इज द पिक्चर ऑफ द बॉय. ओके, तो ये क्या कहती है, इससे गुड हेल्प मांगनी जाती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो. तो कहता है क्या, वो बच्चा क्या बोलता है, सॉरी आई कैंट, I can't, I have to go home. नहीं, नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि मुझे घर जाना है. Mama Heroine is sad. She started crying. Sam sees Mama Heroine. Why are you crying? फिर जो है, Sam जो है वो बच्चे को देखता है और वो क्या कहता है, वो क्या करती है, फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है. तो वो Sam क्या बोलता है, Why are you crying? क्यों रो रही हो बाबा, क्यों रो रही हो, तुम बताओ. स्वान से पूछती है, जो मामा हीरोइन में, वो कौन पूछता है, वो जो बच्चा रहता है, वो शैम रहता है उसका नाम. आई एम हॉट, आई वॉन्ट टू गो होम, प्लीज हेल्प मी. वो बेचारी क्या बोलती है स्वान की, आई एम हॉट, मैं क्या हूँ, मैं चोटिल हूँ और मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे ज़रूरत है आपकी मदद की, और आप मेरी मदद करो. किसको बोलती है, स्वान बोलती है उस शैम को, उस लड़के को. ओके, सैम पुट्स मामा हीरोइन इन हिज एम्प्टी टॉय कार्ट एंड टेक्स हर टू हर नेस्ट. और फिर क्या करता है, सैम के पास एक टॉय कार्ट होता है जिससे वो खेल रहा होता है, और फिर वो मामा हीरोइन को उसमें डाल लेता है और फिर उसको लेके जाता है. थैंक यू आर वेरी काइंड. और लेके उसको जाता है घर को छोड़ने. तो वो जब उसको रखता है तो क्या बोलती है उसको, थैंक यू, तुम बहुत दयालु हो. द बेबी बोर्ड्स आर हैप्पी टू सी मामा हीरोइन. और उसकी जो छोटी छोटी बेबी रहती है मामा हीरोइन की, वो बहुत खुश होती है अपनी मामा को घर में देख के. लाइक यू, आप भी अपने मामा को देख के खुश होते हैं उसी तरह. अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, सैम प्लीज, सैम उसकी मामा क्या बोलती है, सैम प्लीज गो एंड बाय सम ब्रेड. और बोलती क्या है कि जाओ जाके कुछ ब्रेड लेके आओ. सैम सीज हिज फ्रेंड हिज टॉक टू प्ले विद देम. और फिर क्या होता है, रास्ते में जब वो जाता होता है,
वो जब शॉप पे जाता होता है तो वो देखता है कि उसकी वो उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो रास्ते में खेल रहे होते हैं और वो बातों को भूल जाता है और फिर वो क्या कर देता है, वहीं पे रुक जाता है और खेलना शुरू कर देता है. ओ आई हैव टू बाय ब्रेड. और फिर उसको सडनली उसको रिमेम्बर होता है कि मुझे किस चीज़ के लिए जाना था, मुझे ब्रेड के लिए जाना था. और फिर वो जाता है. Sam cannot find the coin in the pocket. Oh dear, I can't find the coin. और फिर क्या होता है, उसके पास जो coin दिया होता है उसकी माँ ने, वो क्या करता है, उसको lost कर देता है. फिर वो उसको find out करने की कोशिश करता है, but तो वो coin क्या होता है, नहीं मिलता. Why are you crying? फिर अब Sam cry करने लगता है, रोने लगता है. I can't find the coin. I can't buy bread, mother, and I don't have anything to eat. और उसके बाद क्या होता है, फिर वही शॉम आती है, वही मम्मा हेरोइन आती है और फिर वो पूछती है सैम से, क्यों रो रहे हो तुम? तो वो बताता है कि मेरी मम्मा ने मुझे क्या दिए थे, कॉइन दिए थे. किस चीज़ के लिए? ब्रेड को लाने के लिए. और मैं और मेरी मम्मा क्या हूँ, भूखा हूँ और मुझे वो ब्रेड लेके जाना था जिसे हम लोग खाते. बट अब क्या हुआ, मैंने अपने कॉइन को क्या किया, लॉस्ट कर लिया है, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ. ये बात वो किसको बताता है, स्वान को बताता है. लुक दिस पिक्चर. ओके, मामा हीरोइन लुक्स फॉर द कॉइन. सी सीज द कॉइन साइनिंग इन द वॉटर. हेयर आर द कॉइन्स. थैंक यू, यू आर वेरी काइंड. मामा हीरोइन क्या कहती है, वो पैसे को देखती है. शी सीज द कॉइन साइन. और फिर वो उस साइनिंग वाटर को देखती है और मामा हीरोइन उसमें जाती है और फिर उसमें से उसका कॉइन फाइंड आउट करके लाती है और फिर उसको देती है. किसको? शैम को. शैम को देती है. फिर शैम भी क्या रिटर्न में देता है, उसको थैंक यू बोलता है और बोलता है एज द सेम सेंटेंस. ओके, क्या सेंटेंस था? यू आर वेरी काइंड. जो उसकी जो मामा हीरोइन ने उसे बोला था. तो एक चीज़ इस स्टोरी से, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर आप किसी को हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प किसी ना किसी दिन करेगा. इसलिए आदमी को क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए. आप जब किसी की हेल्प करेंगे तो आपकी भी कोई हेल्प करेगा. ओके, तो यही आपका चैप्टर था. योर चैप्टर इज फिनिश नाउ. हैव अ नाइस डे. फिर हम लोग एक्सरसाइज सेक्शन में मिलेंगे. बाय.